हेलो गाइस, कैसे हो आप सब दोस्त। स्वागत आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में, इसका नाम है एक्सपर्ट नॉलेज। आज हम फ्रेंड्स इस वीडियो में SSB 872 पोस्ट के बारे में दोस्तों बात करेंगे। जब अपने दोस्तों पहले फॉर्म फिलअप किए थे, जिनका दोस्तों आपका टेस्ट भी हो रखा है, मेडिकल भी आपका अब तक हो गया होगा। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, जिन लोगों का री मेडिकल था वो भी उनका हो चुका है अब, ठीक है। लास्ट जो डेट थी 10 तारीख की लास्ट डेट थी उस री मेडिकल की, जो कि आपका हो चुका है। आपकी दोस्तों में फाइनल लिस्ट बननी बाकी है, ठीक है। मैं आपको बताऊं दोस्तों आपकी फाइनल लिस्ट कब तक आएगी और आपकी कट ऑफ इस बार क्या रह सकती है, हम सारे डिस्कस वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। और फ्रेंड्स आपको बता दूं दोस्तों, इस बार जो अपने जो फॉर्म फिलअप किए दोस्तों, इस भर्ती में आपका ज़्यादा कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल लो लेवल में बिल्कुल कंपटीशन होगा इसमें, ठीक है, जो भी हुआ है इसमें। और गाइज मैं आपको बता दूं, इसमें मतलब ज़्यादा फॉर्म फिलअप नहीं हुए थे और दोस्तों पेपर भी बहुत कम लोगों ने इसमें पेपर कम लोग दे पाए थे। और फ्रेंड्स आप आपको बता दूँ, इसमें दोस्तों जो आपका मतलब कि मेडिकल हुआ है वो कुल 500 से 700 बच्चों का हुआ है, री मेडिकल जो बोलते हैं हम, ठीक है, जो कि मतलब बच्चे फेल हो गए थे मेडिकल में, उनका दोस्तों कुछ 500 से 700 बच्चों का ओनली आपका मतलब मेडिकल में जो री मेडिकल में पास हो पाए हैं, ठीक है। और 500 बच्चे पहले से थे, मतलब दोस्तों 7 और 5 से मान लीजिए आपका मतलब 1200 या 1300 बच्चों में से आपका कंपटीशन, आपकी जो फाइनल लिस्ट बनेगी 1200-1300 बच्चों में से बन के तैयार होगी। तो आपका जो कंपटीशन है बिल्कुल हार्ड नहीं रहा है दोस्तों, आपकी जो कट ऑफ मतलब बिल्कुल कम लेवल में जाएगी। और आपकी कट ऑफ क्या जा सकती है हम आपको अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको बता दूँ, जो लोगों ने फॉर्म फिलअप किया आज, इन्होंने पेपर दे रखा है गाइज, मुझे अपने अपने नंबर प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है गाइज। तो फ्रेंड्स बात कर लेते हैं आपकी कट ऑफ लिस्ट के बारे में, आपकी कट ऑफ लिस्ट क्या जा सकती है इस बार, ठीक है। तो फ्रेंड्स नीचे देखिए, फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए क्या रहेगी कट ऑफ लिस्ट है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, इसमें ज़्यादा आपकी जो मतलब कट ऑफ बनेगी गाइस, जो मतलब ज़्यादा आपको मार्क्स की जरूरत नहीं है इसमें, आपका बिल्कुल लो लेवल में आपका जो मतलब सिलेक्शन इसमें हो जाएगा गाइस, इसमें कंपटीशन आपकी बार ज़्यादा नहीं था, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जनरल दोस्तों, मैं आपकी जो जनरल कास्ट के जो मतलब बच्चे बिलोंग करते हैं उनकी जो इसमें कट ऑफ जाएगा 60 से 65 के बीच में, आपके अगर आपके नंबर बन रहे हैं 60 से 65 के बीच में, तो गाइज इसमें आपका सिलेक्शन श्योर एकदम, ठीक है। मैं आपको गाइज लिख के दे रहा हूँ, जिसके भी नंबर 60 से 65 के बीच में है, जो भी जनरल कास्ट से बिलोंग करते हैं उनका इसमें पक्का सिलेक्शन है आपकी बार। और जो मेरे फ्रेंड्स OBC कास्ट से बिलोंग करते हैं, जिनके नंबर 55 से 60 के बीच में गाइज, उनका भी सिलेक्शन श्योर है, ठीक है। एक दो नंबर आगे पीछे हो सकता है गाइज, ठीक है। जो भी मतलब जो अच्छी जो क्या कहते हैं मेन कट ऑफ होती है जो गाइज वो SSB वाले बना के देते हैं, लेकिन गाइज मेरे अकॉर्डिंग या फिर मैंने मतलब सर्वे किया था गाइज, उसके अनुसार ही आपके मतलब जो कट ऑफ है, जो फाइनल कट ऑफ है ये, ठीक है, इससे आपके एक दो नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं। और मुझे अपना मैं दोस्तों आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे अपने नंबर सब कमेंट में बताइए कि आपके नंबर कितने मार्क्स बन रहे हैं, तो गाइज मैं आपको बता दूँ कि आपका सिलेक्शन कितना मतलब हो सकता है, कितना नहीं हो सकता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप बात कर लेते हैं दोस्तों SC के बारे में, जिन मेरे फ्रेंड्स जो भी SC से बिलोंग करते हैं, जिनकी कास्ट SC है गाइज, अगर आपके मार्क्स 50 से 55 के बीच में बन रहे हैं जो भी SC कास्ट से बिलोंग करते हैं, उनका दोस्तों इसमें सिलेक्शन श्योर समझना, अपने सिलेक्शन जो भी SC कास्ट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और जो भी दोस्तों SC मतलब जो भी ST से या फिर हिल एरिया से बिलोंग करते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश डोंगरस या फिर मतलब हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं, जो दोस्तों पहाड़ी इलाका है, ठीक है, उनकी जो मतलब कट ऑफ बहुत कम जाती है इसमें, गाइज काफी जो कट ऑफ है इसमें 45 से 50 के बीच में जाएगी, जो भी ST कैंडिडेट है, ओनली ST, यहाँ पे देखिए गाइज ST लिखा है मैंने, गाइज जो भी ST से हैं, ठीक है, उनकी 45 से 50 के बीच में आपकी कट ऑफ जाएगी इसमें गाइज। आपका जो सिलेक्शन मतलब बिल्कुल आसान है गाइज, ठीक है, आपका मतलब री मेडिकल इसमें हो गाइज। जब बात कर लेता हूँ फाइनल लिस्ट के बारे में, फाइनल लिस्ट कब तक आ जाएगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कब आएगा रिजल्ट दोस्तों, नवंबर ऑफ 1st वीक दोस्तों, आपका जिसमें रिजल्ट है नवंबर ऑफ 1st वीक में अभी आने वाला है, ठीक है। और दोस्तों जिन लोगों ने मतलब अच्छा पेपर किया है दोस्तों, जिनके नंबर अच्छे मार्क्स है दोस्तों, उनको बहुत बहुत बधाई है गाइज, आपका सिलेक्शन इसमें पक्का क्योर हो जाएगा, ठीक है। और मुझे अपने अपने नंबर दोस्तों कमेंट बॉक्स में पक्का बताइएगा फ्रेंड्स, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपका सिलेक्शन कितना हो सकता है, कितना नहीं हो सकता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही था दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि मैं दोस्तों गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड आपके लिए वीडियो बनाता ही रहता हूँ। एंड फ्रेंड्स थैंक यू सो मच।